मचाया अपना घना तांडव। इस वेब सीरीज के मेकर से लेकर कास्ट तक सारे को राम में पड़े हुए हैं। तो गाइस मैं हूं हिमी और आप सभी का स्वागत है ओए हिमी पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बड़ा बड़ा प्यार दिखा दे। जैसा कि आप सभी को पता है ये वेब सीरीज तांडव 15 जनवरी 2021 में रिलीज हुई थी। जैसे ये रिलीज हुई थी वैसे ये कंट्रोवर्सी में फंसती चली गई। इस वेब सीरीज पे ये आरोप है कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजन सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रही है। इतना बवाल मच गया और लोगों ने इतने ज्यादा केसेस ठोक दिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे इंटरवेन करना पड़ा। इतनी पिटिशन दायर हो गई कि लोग भरे बैठे थे कि भैया बैन करो इस तांडव को। आपने कभी हैशटैग भी ट्विटर पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे लोग भर भर के डाल रहे थे भैया बैन तांडव वेब सीरीज। तो उसी का नतीजा ये लीगल एक्शन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो नोटिस भेज दिया गया मेकर से लेकर कास्टर को। इतना उठक पटक के बाद आज दोपहर यूपी के अंदर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और यूपी से 4 टीमें ले चुकी है, निकल चुकी है मुंबई के लिए मेकर से लेकर कास्टिंग को धट दबोचने के लिए। इतने शापे के बाद इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अबास ने अनकंडीशनल माफी मांग ली है हाथ पैर जोड़ के। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें इनको माफ करना चाहिए, बिकॉज इस कंट्री के अंदर आजकल ट्रेंड बन चुका है पहले लोगों के सेंटिमेंट हट करो और फिर माफी मांग लो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन हमें इस बार इनको छोड़ना नहीं है। इनको हमें एक लैंडमार्क छोड़ना है, जिस तरीके से आगे के बंदों को समक मिले कि हमें किसी सेंटिमेंट हट नहीं कर रहा, चाहे कोई से रीजन क्यों ना किसी का सेंटिमेंट हट नहीं होने चाहिए। आशा करता हूं कि तांडव का तांडव जारी रहेगा, जो भी इसमें गिल्टी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो गाइस मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।